अस्सलाम वालेकुम, मैं न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशबा परवेज। बुलेटिन से पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। पैनामा लीक्स केस में तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी ने अपने जवाब उल जवाब दलायल मुकम्मल कर लिए। पीटीआई के वकील ने अपने दलायल में कहा है कि वजीर आजम और उनके बच्चों के असासे उनकी आमदनी से ज्यादा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि जो मवाद पेश किया गया उसे सबूत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अदालत आर्टिकल 184 के मुकदमे में कानूनी तकाजे तब्दील नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज का कहना है कि तहरीक इंसाफ अदालत को धमकियां दे रही है, जमहूरियत के खिलाफ नई साजिश भी नाकाम होते देख रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद पैनामा लीक्स केस में फतह के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं कि दुनिया इस सियासत की तारीख का अहम केस अंजाम के करीब है। फौजी अदालतों के क्याम में तौसी के मामले पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामानी रहनुमाओं का इजलास, पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास का बायकॉट। ऑपरेशन रबुल फसाद के पहले मरहले में फौज, रेंजर्स और पुलिस का रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, अफगान बाशिंदों समेत 34 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। और लापता अफराद केस में सिंध हाई कोर्ट का पुलिस, महकमा दाखिला, टास्क फोर्स और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर शदीद इजहार बरहमी। अदालत ने मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए कहा है कि अदालती अहकामात पर इजलास होते हैं जिनमें अक्सर शुरका चाय और बिस्किट खाने के बाद चले जाते हैं।